अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ये देखें हम झील के किनारे पर खड़े हुए हैं और कितना खूबसूरत और हसीन नज़ारा है। और इन देखने वालों के लिए ये जो शख्स हैं और उनकी फैमिली है और उनके छोटे छोटे खूबसूरत से क्यूट से बच्चे हैं, ये अपनी फैमिली के साथ ही सुबह सुबह किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखें साथ में इनके कौवे भी हैं जिन्हें ब्लैक क्रो कहा जाता है। ये कौवे भी काफ़ी इधर कसीर तादाद में पाए जाते हैं, ट्रीज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो एक डिफरेंट ही एम्बियंस जिसे कह रहे हैं खूबसूरत सा माहौल यहाँ बना हुआ है। साथ ही अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ तख्त की। ये देखें सुबह सुबह इन पार्क्स में आना और इन एनिमल्स के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो बिकॉज आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी डक्स जो हैं सुबह सुबह उठ गई हैं और खाना वाना खा लिया इन्होंने। ये देखें आप, और इनके करीब अगर ज़्यादा करीब जाएँ तो ये मारती भी हैं, मतलब आगे से जो है ना इरीटेट होती हैं। और इनको वॉचमैनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे इनको इनको आप रख दें उसके बाद जो है वहाँ पर ऐसा काम ये करते हैं कि ये जो है ना आपकी चीज़ों को छोड़ किसी को हाथ नहीं लगाने देते, मतलब किसी को करीब नहीं आने देते। और आज मैं और मेरे हबी हम सुबह सुबह वॉक के लिए आए हुए हैं जी। तो जनाब ये डक्स जो हैं ये वॉचमैन का भी काम करती हैं, आप इनको अगर घर में पालते हैं तो ये जो है डॉगी की जगह पे जो है ना ये बड़ा ही हलाल परिंदा है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत परिंदा है। ये ऐसे हिफाजत करता है बाहर से कोई बंदा आ जाए या कोई मतलब अननोन पर्सन आ जाता है तो ये फौरन उसको जो है मतलब रिएक्ट करता है। अगर आप उसके साथ होते हैं तो फिर ये मतलब रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह पेट्स की तरह का काम करते हैं ये। और ये घर में अगर आप पालते हैं तो ये तो हलाल भी है जायज़ भी है। डॉगी के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो जो है घर में नहीं रखना चाहिए, घर के बाहर होना चाहिए। बहरहाल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप लोग अगर एग्री करते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। व्यूअर्स आज ये पीछे एक शॉप भी बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इसका भी थोड़ा सा रिव्यू देते हैं आप लोगों को, हमारे साथ रहिएगा। क्या कर रहे हैं, क्या सब्जी हुई है? पानी पी रहा हूँ अभी वॉक करने के बाद।
टाइम बताएं क्या हो गया। 8:30 हो रहे हैं, मेरे ख्याल से चलते हैं। लेट्स गो। तो आज का व्लॉग इतना ही व्यूअर्स, फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून। जी तो व्यूअर्स, ये तो सुना था कि अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको आप टो करके लेके जाते हैं आगे, कोई चिंची रिक्शा या कोई दूसरी गाड़ी वगैरह लगा के तो उसको लेके जाते हैं, लेकिन एक कश्ती को टो करके लेके जाना वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये अंकल जी आगे पैडल बोट के ऊपर हैं और इसको साथ ही ये इसको लेके जा रहे हैं, क्या बात है। दूसरी मोटर बोट है, उसकी मोटर ख़राब हो गई होगी तो ये टो करके लेके जा रहे हैं उसको। बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है जी ये।